यही बात तो है, उसका घर घर है, राशन कार्ड बनवाए हैं। हाँ राशन कार्ड भी बना है, कुछ लोग का बाकी है, शौचालय भी बना है, जिसका तो जमीन नहीं है। सही बात है, वो कहाँ से बनेगा, कहाँ से बनेगा हमारे यहाँ तो वार्ड जी, तो वार्ड में हरजन लोग है। सही बात है वार्ड जी, जो अब मास्क और साबुन बांटना था कोरोना काल में, आप लोग बांटे थे? हाँ अभी बांटे हैं, अभी मास्क अभी बांटे हैं, साबुन बांटे हैं, फिर अभी मास्क रखे हैं। पूरा पूछिए ना जाकर के, पहले पूछ लिए, आपसे भी पूछना मेरा फर्ज बनता है। पूरा घर 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 घूम करके बांटे हैं मास्क। तो जैसे कि अब चुनाव आ रहा है, आगामी चुनाव में जब आप जाइएगा जनता के समक्ष, तो कौन सा मुद्दा पे वोट मांगिएगा? कौन सा मुद्दा? विकास, विकास किया, विकास लोक रहा है। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कुछ कहना है? है? हमको मैंने आप पूछिए जनता से, जनता से आपको कुछ कहना है चुनाव द्वारा उसके लिए? तो आएगा तो कवर करेंगे भाई, हमारा विकास किए हैं, आप जैसा आपको पूछा वैसा कीजिए। सही बात है। जैसा कि हम आए हुए थे चांदपाली पंचायत के वार्ड नंबर 11 में, जहाँ के वर्तमान वार्ड सदस्य हैं बादशाह सिंह जी, इनसे बात हुआ। इनका साफ कहना है विगत 5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी दिशा निर्देश हमको मिला, मैंने उसका पालन करते हुए सरकार के हर योजना को अपने वार्ड के हर जनता तक ईमानदारी पूर्वक पहुँचाने का काम किया हूँ, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये जनता मेरे विकास कार्यों को देखते हुए फिर से अपना वोट मुझे देगी और फिर से अपना वार्ड चुनकर मुझे 5 साल और मौका कर। चंदपाली पंचायत में, और यहाँ पे हम जो गांव है मिश्रौली गांव से आगे जो भथुआ गांव में आए हुए हैं, और एक यहाँ पे पकौड़े का दुकान है, वहाँ पे हम मौजूद है कुछ ग्रामीण जनता, उनसे हम जानेंगे क्या इस बार का मुकाबला रहेगा, पंचायती चुनाव कैसा होगा और विगत 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा मुखिया जी का, इसका भी हम ग्राउंड रिपोर्ट आज कर रहे हैं। और आपके आपको अपने चैनल के माध्यम से हम ये भी दिखा रहे हैं कि जनता ने कितना खुश है मुखिया जी के कार्यकाल से, और विगत 5 वर्षों में कितना विकास हुआ है, सारा लेखा जोखा आपके सामने आज दिखने को मिलेगा। आइए कुछ ग्रामीण जनता, उनसे हम जानते हैं मुखिया जी कार्यकाल के बारे में। क्या नाम है भैया आपका? नाम बताइए, नाम क्या है? अशोक सिंह। अशोक सिंह, तो विगत 5 वर्षों में आपके पंचायत में जो भी विकास हुआ है, क्या उससे आप खुश हैं? हाँ हाँ खुश हैं हम लोग। आप लोगों जो मुखिया हो 15 साल से शायद मुखिया के पद पर कायम है, तो क्या इस बार बदलाव होगा, फिर से वही रहेंगे? नहीं नहीं, वही हम लोग खुश रहेंगे। सरकार का जो भी योजना लागू हुआ उसका लाभ आप लोगों को मिला है? हाँ हाँ। जैसे होता है ना, अगर मुखिया बार बार बनने पर मुखिया जी लोगों को थोड़ा अपने आप में घमंड हो जाता है कि नहीं हमको हराने वाला कोई नहीं है, कहीं आप लोग का भी ऐसा मुखिया जी के साथ कोई बिहेव नहीं रहा? मुखिया जी के साथ बात व्यवहार वही है कब बदल गया? नहीं नहीं सब ठीक है, बात व्यवहार वही है कब बदल गया? हाँ वही है। क्या नाम है चाचा आपका? मदन पांडे। क्या करते हैं आप? कोई भी किसी ग्रह से करते हैं, किसान हैं जी। तो आप तो बहुत उम्र भी आपका काफ़ी ज़्यादा हो गया, बहुत राजनीति देखे भी होंगे, राजनीतिक अनुभव भी आपके पास होगा, तो 15 साल से आपके जो मुखिया कायम है आपके पंचायत के बलिंदर सिंह जी, उनके बारे में आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। उनका 5 साल का कार्यकाल जो रहा उससे आप खुश हैं? आप हम खुश हैं, क्योंकि बहुत सारे मुखिया का कार्यकाल आप देखे होंगे, तो उन लोगों की तुलना में ये 5 साल का कैसा सफर रहा? एकदम खुशी हम लोग हैं, एकदम सफल भी ठीक किए हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। यानी इनका पिछला 10 साल अच्छा था कि ये 5 साल अच्छा है? ना तीनों मिलाकर ही ठीक चल रहा है। आप लोग जो भी समस्या उसका समाधान हुआ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मुखिया जी का बात व्यवहार में कोई अंतर तो नहीं है? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, जनता के लिए वही मान सम्मान, वही प्यार, वही सम्मान, वही प्यारा है। जैसा कि हम आए हुए हैं चांदपाली पंचायत के वार्ड नंबर 9 में, जो मिश्रौली में शायद पड़ता है, और कुछ ग्रामीण लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम जानेंगे कि इस पंचायत का कितना विकास हो पाया, और जो यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं बलिंदर सिंह, उनको करीब 15 साल से मुखिया के पद पर कायम है, और लोगों से ये भी जानेंगे क्या उनके प्रति लोगों में वही प्यार समान है, या लोगों के प्रति उनके लिए गुस्सा पैदा हो गया विगत 5 वर्षों में, और सरकार का जो भी योजना लागू हुआ पटना से क्या उनके पंचायत में हर जनता तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। क्योंकि देखा जाता है कि 5 साल चुनाव, 5 साल मुखिया रहने के बाद जो अगला 5 साल कार्यकाल आता है उसमें काफ़ी लोग उल्टा चले जाते हैं, लोग विपरीत दिशा में चले जाते हैं, कार्य से खुश कुछ लोग नहीं होते हैं। आइए कुछ ग्रामीण जनता, उनसे हम रिपोर्ट लेकर बताएंगे ग्राउंड रिपोर्ट क्या है इस पंचायत का। क्या नाम चाचा आपका? रत्नेश कुमार मिश्रा। तो आपका वार्ड नंबर 9 में आपका घर पड़ता है? जी जी। तो विगत 5 वर्षों में जो आपके पंचायत में विकास हुआ है जो मुखिया जी के थ्रू, उसके से आप लोग खुश हैं? आप हम लोग खुश हैं, यानी 15 साल से मुखिया है वो, सबको खुश करना तो मुश्किल है लेकिन हम लोग खुश हैं। यानी कुछ तो मुखिया जी के अंदर काबिलियत, तो कुछ खासियत होगा तभी तो 15 साल से वो कायम है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी विकास जो हुआ है विगत 5 वर्षों में ज्यादा हुआ था कि इस 5 साल में? विकास धरातल पर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार जितना विकास हुआ था किस पर ज्यादा हुआ है, किस पर ज्यादा हुआ है? हमारा पंचायत हर तरह से विकास में, चारों तरफ से सड़क है, बिजली है, पानी है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? अरविंद मिश्रा। जैसे मुखिया जी कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं। और इस कौन नंबर वार्ड में घर पड़ता है आपका? 9 नंबर है। यहाँ का जो विकास हुआ आपके वार्ड में उससे खुश हैं आप लोग?
हमारा नाम गंगा सागर शर्मा। कौन नंबर वार्ड में घर पड़ता है? 9 नंबर। तो क्या विगत 5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी योजना लागू किया गया उस योजना का लाभ आप लोग तक पहुँचा? कुछ पहुँचा है, कुछ नहीं पहुँचा। यानी मुखिया जी का जो कार्यकाल रहा विगत 5 वर्षों का, उसको आप कितना परसेंट सही देखते हैं? सही कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ कमी है अभी भी। यानी 15 साल से मुखिया जी आपके वही हैं, बने हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार भी मतलब वही रहेंगे, फिर से चेंज होने का कोई चांस है? अब देखिए, इलेक्शन होने के बाद ही नहीं पता चलेगा। कार्यकाल से मतलब क्या लग रहा है, जो विकास हुआ है उससे? विकास हुआ है तो उससे तो कोई हमको नहीं लग रहा है। ठीक है, वहाँ कुछ ग्रामीण जनता हमारे साथ मौजूद है, आज हम ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे इस वार्ड का और इस पंचायत का, और जानेंगे यहाँ के लोगों से कि इस वार्ड में और इस पंचायत में कितना विकास हुआ, और जिस उम्मीद और जिस विश्वास पर इन लोगों ने मुखिया और वार्ड को वोट देकर जिताया था, क्या विगत 5 वर्षों में वो लोग इन लोगों के उम्मीद और विश्वास पर खड़ा उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं? आइए हम जानते हैं कितना विकास हो पाया इस वार्ड का या इस पंचायत का, या सरकार द्वारा जो भी योजना गरीब जनता के लिए बनाई गई क्या वो जनता तक पहुँची कि नहीं पहुँची। इन तमाम खबरों की जानकारी आप तक आज पहुँचेगी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। आइए आपको मिलवाते हैं हम। क्या नाम है चाचा आपका? राजेश्वर मिश्र। क्या? राजेश्वर मिश्र। राजेश्वर मिश्र, तो आप वार्ड नंबर 9 में आपका घर पड़ता जी, है जी। तो विगत 5 वर्षों में आपके वार्ड में जो कार्य हुआ उससे आप लोग खुश हैं? खुश है आदमी बाबा, जो जानता है कि हाँ जितना हमारा काम हमारे गाँव में भइल बा उतना से खुश रही। अब और कुली का थी बाबा, इसे तो भाई हमने के मालूम है नहीं था, हमने के का एक बात बताइए, विगत 5 वर्षों से आप लोग मुखिया को भी जिताएं, वार्ड को भी जिताएं, 5 साल पहले वोट देंगे, तो आप लोग मुखिया तो 15 साल से खैर आपके हैं, तो क्या विगत 5 वर्षों का मुखिया जी का ये जो कार्यकाल रहा कैसा रहा, अच्छा रहा के? अभी तो अच्छा बाबा, अभी अच्छा है मुखिया जी। मुखिया जी अभी 15 साल हो चुका, अभी भी उनका मतलब कोई बात है, कोई बात व्यवहार में कोई अंतर? ना ना, बात व्यवहार में कोई अंतर नहीं। ऐसा होता है ना कि जब बार बार जीत मिलता है तो लोग घमंड आ जाता है अपने अंदर। देखिए, वो घमंड में वो मुखिया जी नहीं खान घमंड वाला, अभी भी उनके अंदर वही जो पहले मान सम्मान आप लोगों को देते थे अपनी जनता को, वही मान सम्मान आज भी है। हाँ हाँ, उनका अंदर हुआ बात। क्या नाम है चाचा आपका? मदन ठाकुर। क्या करते हैं आप लोग? सैलून करते हैं, दाढ़ी जमा बनाते हैं। तो आप लोग के दुकान पर तो बहुत से लोग आते होंगे, बहुत काम के लोग आते हैं, वहाँ पे मीटिंग भी चलता होगा जो पंचायती चुनाव होने वाला है, इसके लिए चर्चा तो होता होगा? दुकान पर मीटिंग नहीं होता है, दुकान कभी कभी चर्चा तो होता होगा इसके लिए। चर्चा करने वाले करते हैं, लेकिन हम लोग अपना काम में रहते हैं, दाढ़ी जमात बनाने में लगे रहते हैं। तो कभी चुनाव जो आने वाला है, मुखिया जी आप लोगों का 5 साल कार्यकाल समाप्त होगा, उनका कार्यकाल कैसा रहा 5 साल का? ठीक है, 15 साल से मुखिया हैं आप लोगों पंचायत के, कहीं अभी भी कोई डाउट नहीं ना है, मतलब कोई मन नहीं ना भर गया मुखिया जी? ना ना, कोई मन नहीं भरा है, मन किसको भरेगा, विकास किए हैं? हाँ, थोड़ा विकास तो किए हैं, यानी पिछले साल से इस साल विकास ज्यादा हुआ आपके ग्राउंड रिपोर्ट में लोगों से जाना? विकास हुआ है, लोगों का नाम है कि इसके पिछला बार जितना विकास उससे ज्यादा इस साल में विकास हुआ है? हाँ, विकास तो हुआ है। सही बात है, अच्छा जी। अभी अभी जितना मैंने काम किया है वो तो जनता की तरफ से यही है कि बहुत अच्छा हुआ है, और जनता मेरा हेल्प करेगी आगे चल के, तो इससे भी बेहतर करूँगा मैं। सही बात। जैसा कि हम आए हुए थे चांदपाली पंचायत के वार्ड नंबर 2 में, जहाँ के वर्तमान वार्ड सदस्य उनके पुत्र आभास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनका साफ कहना है कि विगत 5 वर्षों में सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन हमको मिला और मुखिया द्वारा जो भी हमको फंड दिया गया, मैंने अपने वार्ड के हर जनता तक उसको ईमानदारी पूर्वक पहुँचाने का काम किया हूँ, और मुझे पूर्णतः विश्वास है लोकतंत्र पे ये जनता मेरे विकास कार्यों को देखते हुए अपने फिर से हमको वोट देकर अपना वार्ड सदस्य चुनकर अपनी सेवा करने के लिए एक मौका फिर से हमको लग रहा है कि विगत 5 वर्षों में जो विकास हुआ आपके पंचायत में, ये पिछले कई सालों से ज़्यादा हुआ है? बहुत ज़्यादा हुआ है। तो क्या इसका श्रेय मुखिया जी को आप देते हैं? मुखिया जी यहीं है, मुखिया जी का श्रेय है भाई इसमें, तो योगदान तो मुखिया जी का है इसमें। तो क्या मुखिया जी के कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? हम खुश हैं, हम लोग मुखिया जी को दिक्कत नहीं, हम लोग मुखिया जी काम किए। कोरोना काल में मास्क और साबुन आप लोग बांटे थे? हाँ, मुखिया जी के द्वारा जो मिला था हम लोगों को, अपने घर घर लोगों को पहुँचाया है, इसके बारे में आप पता कर सकते हैं। तो क्या बताइए, आप अगले बार चुनाव में जाइएगा तो किस मुद्दा पे वोट मांगिएगा अपने काज के? तो जैसा कि हम आए हुए थे चांदपाली पंचायत के वार्ड नंबर 4 में, जहाँ के वर्तमान वार्ड सदस्य हैं किरण देवी, इनका साफ का नाम है कि विगत 5 वर्षों में मैंने सरकार के हर योजना को ईमानदारी अपने जनता तक पहुंचाया, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जब चुनाव आएगा तो ये जनता मेरे विकास कार्यों को देखते हुए फिर से मुझे वोट कर अपना वार्ड सदस्य चुनेगी, और फिर से अपनी सेवा करने के लिए मुझे 5 साल का मौका अवश्य प्रदान करेगी।